तो वीडियो चालू करने से पहले दबा दो लाइक सब्सक्राइब वाला बटन। जो तुम समझ रहे हो ना, वो बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप अपने फोटो के अंदर फेक कलर को कैसे ऐड करके फोटो के कलर को ऑरेंज टोन में बदल सकते हो। सिनेमैटिक, डार्क, क्लियरिटी, फोटो के अंदर शार्पनेस, सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हो और फोटो को बढ़िया बना सकते हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तेज फिल्म्स यानी कि तबाह एडिटिंग जॉन, तो उसको सब्सक्राइब कर दो। मैं पहले ही बोल देता, दबा दो। तो सबसे पहले मैं लाइटरूम को ओपन कर लिया हूँ, देन इसके अंदर फोटो को भी शेयर कर लिया हूँ, और ये वाला फोटो हमारा है जिसको मैं एडिट करने वाला हूँ। तो अभी मेरा फोटो यहाँ पे ओपन हो चुका है, देन सी फोटो काफ़ी मतलब बॉम अभी नहीं दिख रहा है, बट बनने के बाद बॉम दिखेगा। तो यहाँ सबसे पहले चलते हैं कर्व टूल के अंदर, देन कर्व टूल के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले नीचे पॉइंट बनाना है एक शैडो पे। एक पॉइंट शैडो बन गया, और एक पॉइंट आपको मिल्टोन बनाना है, और एक पॉइंट आपको हाईलाइट भी बनाना है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा तीन पॉइंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, और इसके बाद से थोड़ा नीचे करूँगा जो हाईलाइट का पार्ट है, ताकि जितने भी हाईलाइट पार्ट है जो गायब हो जाए फोटो के अंदर से, और यहाँ पे शैडो को थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि फोटो के अंदर एक फैट फैट सा टोन आ जाए। देन यहाँ पे एक और पॉइंट में बना लिया हूँ, देन यहाँ से भी करेंगे डन। और इसके बाद कलर में जाएंगे, ऑल कलर में जाएंगे, मिक्सर में जाएंगे, और मिक्सर कलर में जाने के बाद से यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, और ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने में आपको क्या करना है, इसका जो ह्यू होता है बिल्कुल माइनस कर देना। तो मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका ह्यू को बिल्कुल माइनस, येलो के ह्यू को, ठीक है। देन इसके बाद ग्रीन कलर में जाएंगे और इसके सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे, देन फोटो के अंदर काफ़ी बढ़िया एक ही टोन आ गया, जो मतलब येलो टोन था मेरा बिल्कुल गायब हो चुका है, मेरा टी शर्ट भी था येलो जो है बिल्कुल वो भी गायब हो गया। देन यहाँ से भी यहाँ पे क्लियरिटी को बढ़ाते हैं, ढेज को बढ़ा देंगे, और बिगनेट को थोड़ा कम कर देंगे। देन फोटो अभी कितना बॉम्ब दिख रहा है, अभी मतलब टेलर है गाइस, अभी पिक्चर बाकी अभी चल रहा है। देन यहाँ सेव करके दोबारा इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी आ चुका दोबारा फोटो, पहले कुछ ऐसा था और अब हमारा फोटो कुछ ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिप कलर में जाऊँगा और मिक्सर में जाते हैं, ठीक है। देन मिक्सर में आने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है, और इसके ह्यू को बिल्कुल माइनस कर देना है ताकि फोटो के अंदर येलो टोन आ जाए। देन सैचुरेशन को बढ़ा देना है, और इसका सैचुरेशन को भी बढ़ा देना है येलो को। देन इतना करने में आपको कर देना है डन, और फिर यहाँ पे भी मैं करता हूँ इसको सेव। तो सेव कर लेता हूँ, सेव टू डिवाइस, देन इसको दोबारा फिर ऐड करेंगे भाई। तीन बार इसमें ऐड करना पड़ रहा है, तब एक फेक कलर को परफेक्ट तरीके से हम ऐड कर पाएंगे फोटो के अंदर। देन दोबारा इसमें ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा फोटो अभी आ चुका है, ये वाला फोटो था, एंड इसको ऐड कर लेता हूँ। देन अभी फोटो आ चुका है, इसका अगर प्रीसेट भी चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको नीचे लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इतना मेहनत करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। देन अभी फोटो हमारा आ चुका है, पहले येलो टोन हो चुका है परफेक्ट, एक ही कलर दिख रहा है येलो, देन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी चलते हैं हम यहाँ पे कलर वाले मिक्सर पे, और फिर मिक्सर पे जाएंगे। देन यहाँ जाने बाद आपको येलो का जो ह्यू होता है बिल्कुल माइनस कर देना है। देन इतना करने आपको यहाँ पे करना है, इसका सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देना है, एंड अभी ग्रीन का ह्यू को बिल्कुल माइनस, एंड यहाँ पे ब्लू का सैचुरेशन बढ़ा देना है, ल्यूमिनस को थोड़ा इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है, और ल्यूमिनस को थोड़ा कम कर देना है, ठीक है, ब्लू का, एंड ह्यू को भी थोड़ा क्या तरह कलर की तरफ कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ पे जाना है, क्लियरिटी को बढ़ा देना है, डेज को भी बढ़ा देना है, बिन बिगनेट को थोड़ा कम कर देना है ताकि फोटो के अंदर थोड़ा डार्क डार्क सा पार्ट आ जाए। देन लाइट में जाएंगे, और लाइट में जाने के बाद सिंपली कंट्रास्ट को पहले कम कर लेंगे। तो अभी मैं कंट्रास्ट को कम कर लेता हूँ यहाँ से, देन हाईलाइट को भी थोड़ा कम कर लेंगे, शैडो को बढ़ा देंगे, वाइट को भी बढ़ा देंगे, और ब्लैक को भी थोड़ा बढ़ा देंगे। देन फोटो के अंदर काफ़ी बॉम कलर ऐड हो चुका है, एंड यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद भी कलर आ गया कर्व टूल के अंदर, और कर्व टूल में आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और इसको थोड़ा वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे फिर वैसे ही पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट बना लिया मैं यहाँ पे नीचे शैडो तरफ, और एक मिल्टन की तरफ, देन एक हाईलाइट की तरफ बनाना है, ठीक है, एंड इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। देखिए मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, ताकि फोटो के अंदर एक फैट फैट सा टोन आता तो फोटो बेहतर लगे। देन इसको थोड़ा और नीचे, दैट्स इट, फोटो बेहतर लग रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से भी इतना करने बाद सिंपली आपको कलर तो कोई और यहाँ पे चूज करने का रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपको थोड़ा ब्लू कलर को देख लेना है यहाँ से, और ब्लू कलर का थोड़ा यहाँ पे पहले हाईलाइट जो साइड वाला पार्ट होता है उसके मतलब नीचे कर लेना है, एंड ऊपर, देखिए ब्लू टोन एक थोड़ा आ गया फोटो के अंदर, फैट फट सा दिख रहा है, मतलब फोटो बेहतर लग रहा है हमारा। देन इतना करने बाद फिर आपको कलर में जाना है और ग्लेंडिंग में जाना है, ठीक है, एंड यहाँ से आने के बाद शैडो का आपको कलर चूज करना है। तो शैडो कलर हमें रखना है ब्लू, ठीक है, एंड यहाँ पे रेड आ गया, और रेड भी बेहतर लगेगा लेकिन ब्लू को ऐड करने में कुछ अलग ही मजा है। देन सी यहाँ पे मैं कुछ इतना रख लेता हूँ इसको ब्लू को,
एंड हाईलाइट में जाएंगे और हाईलाइट का जो कलर है यहाँ पे सबसे पहले बढ़ाता हूँ और यहाँ पे जो इसको येलो रखता हूँ ताकि फोटो का जो स्किन है उसके कलर टोन आ जाए। ठीक है, देने यहाँ से फोटो काफ़ी बिफोर एंड आप देख सकते कितना प्यारा लग रहा है, पहले से कैसा था और अब कैसा हो चुका है। तो अभी मैं इसको सिलेक्टेड टूल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे जाएंगे लाइनर ग्रेडियंट लेंगे। ठीक है, ये देने यहाँ से नीचे से थोड़ा ड्रॉ करें ताकि नीचे को थोड़ा पार्ट को मैं डार्क करना है ना, तो यहाँ पे मैं रेडियंट ग्रेडियंट ले लिया हूँ और यहाँ पे थोड़ा लाइट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक्सपोजर को बढ़ा देता हूँ ब्लैक को और यहाँ से भी नीचे की तरफ से बढ़ा रहा हूँ। आज निकालने क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लाइट आ चुका है बट इतना करना है, आपको क्या करना है कर देना है फोटो को सेव। तो गाइस वीडियो चले तो लाइक कर दो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।